संजीव आचार्य जी जो छात्र नेता से इनकी शुरुआत हुआ है और हमें लगता है कि इनकी सोच और इनकी विजन आने वाले समय में राजनीति का कोई अच्छा कदम जरूर उठाएंगे। हर साल की भांति इस साल भी उनके जन्मदिन पर यह प्रोग्राम करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, गरीबों को साड़ी वितरण करते हैं और अनेक प्रोग्राम करते हैं। यह प्रेरणा आपको कैसे मिले कि उनके नाम से आप हर साल की भांति इस साल भी प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, मैं और मेरा पूरा परिवार भारत की आज़ादी और स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है। शुरू से ही मैंने जो बाल्यकाल है बचपन से ही देखा है और सीखा भी है। मेरे माँ बाबू जी के द्वारा उन्होंने प्रेरित किया कि बेटा जीवन में ऐसा कुछ काम मत करना जिससे अपने आप को भी पछतावा होना पड़े या दुख लगे। हम लोगों ने हमेशा ऐसा कोशिश किया कि विपरीत परिस्थिति में लोगों का भलाई करने का। ये 23 जुलाई का इत्तेफाक है कि भारत के दो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्मदिन है उसके साथ मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति, साधारण लड़का का जन्म हुआ। मैं तो सबसे पहले अपने माताजी और बाबूजी को उनको पैर छू के नमन करता हूँ कि आज के दिन मैं जन्म ले पाया। मैं यही हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दुखित है, वंचित है, इन लोगों का मैं मदद कर सकूं। कोई भी व्यक्ति अगर हम लोग के हमारे पास या हमारे जो संगठन है कार्यकर्ता के पास आता है तो हम लोग का ताकत यही है। हम लोग एक दूसरे का मदद करके हमेशा समाज कल्याण, जन जन का जो है हम लोग कल्याण करने का काम करते हैं। और हम लोग प्रण लेते हैं 23 जुलाई आज के दिन कि युवा पीढ़ी जो है, आज के सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी नशा जो है, ब्राउन शुगर, अन्य नशा से एकदम पूरा घर परिवार, पूरा समाज तबाह है। आप देखिएगा कि जितने भी लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, जो भी घटनाएं घट रही है इसका एकमात्र कारण है नशा। नशा पूरा नाश करता है। हम लोग प्रण लेते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान से भारत जैसा देश हमारा स्वाधीन हुआ, ये राष्ट्र का निर्माण हुआ, युवा पीढ़ी अपने आप को कम से कम देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में अपना जीवन को दे, ना कि नशा में अपना जीवन को बर्बाद करे। यही प्रण के साथ आज हम लोग हर साल जन्मदिन में ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया, 3 जगह हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया। पिछले साल 844 यूनिट हम लोगों को उठा था, इस साल 1000 यूनिट का हम लोग का टारगेट था, लेकिन 900 कुछ यूनिट ही उठ पाया है कारण कि सुबह से इतनी पानी और बरसात होने के कारण। मैं सबों को, जितने लोगों ने अपने रक्त दिया, जिन लोगों ने प्राण बचाने का काम विपरीत परिस्थिति में किया, मैं सबको आज इस मंच से, इस जगह से धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं कि आपने इस पुनीत कार्य में अपना जीवन दिया है, बलिदान दिया है। और हमेशा मैं फिर पढ़ लेता हूं कि हमेशा हम और हमारे युवा, हमारे परिवार, हमारे सारे लोग विपरीत परिस्थिति में समाज हित में, लोक हित में रहेंगे। आज हमारे बीच में विद्यमान विधायक पूर्वी के उपस्थित थे, मंगल कालिनी जो नेता पति हमारे ये संचेतक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो उपस्थित थे। हमारे चंद्रशेखर, हमारे चंद्रबाबू, चंद्रगुप्त चाचा जो समाज सेवी है, चाचा भी उपस्थित थे, कुणाल जी भी सुबह आए हुए थे, ऐसे कई लोग, मैं हर समाज सेवी का नाम लूँ। हमारे बगल में सूरज दत्त पांडे जी है जिन्होंने अपना जीवन जो है, युवा पीढ़ी अपना यौवन जेल में सलाखों के पीछे गुजारा है जयप्रकाश जी के मूवमेंट में। तो सूरज दत्त जी इनके साथ में जेपी मूवमेंट के काफ़ी लोग सुबह से यहाँ आए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा कदम कैसे लग रहा है कि किसी जन्मदिन किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से मनाया जा रहा है? आज बहुत ही पुण्यतिथि का दिन है कि हमारे दो दो स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन के दिन हमारे भाई संजय आचार्य जी का भी जन्मदिन है। बहुत सालों से मैं इनके जन्मदिन में आती हूँ। इनका जन्मदिन और लोगों से एकदम अलग है क्योंकि वो हमारे देश के आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए और उनके पथ पर, वो सबसे बड़ी बात है कि आज वो उनके पथ पर चल रहे हैं। हमारे समाज में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, कुरीतियां हो रही हैं या फिर लोगों को जो तंग किया जा रहा है, चाहे वो रोड जाम को लेकर या हम लोग जो कर रहे हैं नशा मुक्ति के ऊपर, हमारे भाई आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। ये हम लोग पूरे शहर के ही, हमारे ही नहीं पूरे शहर के भाई हैं और बहुत सारी काम कर रहे हैं, गरीबों का घर उजड़ने से बचा रहे हैं, बहुत सहायता और बहुत नरम दिल के भाई हैं हमारे, गरीबों का देखा नहीं जाता है। देश आज़ाद हो चुका है,
लेकिन अब हमें आज़ादी के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। देश में जितने प्रॉब्लम है, खास करके युवा पीढ़ी आज नशा के ऊपर जा रहे हैं, बेरोजगार है, कैसे करके युवा को सही रास्ता दे, और अनेक समस्या है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी जो स्वतंत्रता सेनानी है और जो बाल गंगाधर तिलक जी है, क्या हम लोग को उन लोग को आत्मा तभी शांति होगा कि हमारा देश और मजबूत हो, कम से कम हमारी युवा सही रास्ता में जाए। यह चीज़ का प्रण, यह चीज़ का शौक, यह चीज़ का कोशिश हर समय संजीव आचार्य जी करते हैं। आप इनसे सीखिए, अपने जन्मदिन उन महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी के नाम से मनाते हैं। आप भी अपने जन्मदिन देश को जरूर कीजिए, देश के किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जरूर मनाइए। अगर नहीं मना सकते तो देश के बारे में जरूर सोचिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।